युवराज पाटिल का विवादित बयान। पाटिल ने गीता में बताया जिहाद। पाटिल के बयान पर भड़की बीजेपी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने गीता को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं है, बल्कि गीता में भी जिहाद है, जीसस में भी जिहाद है। उनके इस एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। पाटिल के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइए पहले सुनवाते हैं कि शिवराज पाटिल ने क्या कहा। यहाँ पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं, वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कभी कब आ जाती है? जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है, ऐसा नहीं है। मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विद सोर्ड आल्सो, उन्होंने लिखा है। यानी सब कुछ समझाने की कोशिश करने के बाद अगर समझ नहीं रहे हैं और वो हथियार लेके आ रहा है तो आप भाग के नहीं जा सकते, उसको आप जिहाद भी नहीं कर सकते हैं और उसको गलत बात भी नहीं कह सकते। ये समझने की जरूरत है, ये तो नहीं होना चाहिए। हथियार लेके समझाने की बात नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो नहीं है। और मोसिना जी ने अपने किताब में, दरअसल शिवराज पाटिल गुरुवार को दिल्ली में किताब के विमोचन के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया है। अब पाटिल के बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। चुनावी मौसम में बीजेपी ने पाटिल के बयान को मुद्दा बना लिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस ने हिंदू भगवा आतंक शब्द गढ़ा, राम मंदिर का विरोध किया, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाया। कांग्रेस का हिंदुओं को लेकर नफरती संयोग नहीं है बल्कि वोट बैंक का एक प्रयोग है। गुजरात चुनाव से पहले जानबूझकर ध्रुवीकरण के लिए ये मुद्दा उठाया गया है। बता दें कि शिवराज पाटिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। 26/11 हमले के दौरान वे देश के गृह मंत्री थे। वे महाराष्ट्र के लातूर से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन 2014 के बाद इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है।